सूरत नाम का गांव में रोशन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत सुंदर है कहकर सोचता था। रोज उठने के बाद आईने में देखकर, अरे वाह कितना सुंदर हो रे रोशन तुम, कहकर अपने आप को चुम्मा देता था। उसका पिता रिक्शा वाला होने से भी रोशन उनके पिता को पैसों के लिए बहुत सताकर टिप टॉप रेडी होकर घूमता रहता था। वही गांव में एक पहलवान रहता था। उसको गुस्सा और घमंड बहुत ज्यादा था। उसके खिलाफ बात करने वालों को खूब मारता रहता था। उस गांव में एक आदमी ठेले पर पास्ता बेचता था। वहां ठेले में फेमस देसी पास्ता कहकर बोर्ड लिखा हुआ था। वो उस ठेले पर देसी स्टाइल में पास्ता बनाकर बेचता था। एक दिन पहलवान उधर पास्ता खा रहा था। उस तरफ जा रहा रोशन को उस ठेले के पास एक बाइक रुका हुआ दिखाई दिया। उसको आईने में मुंह देखने का आदत होने के वजह से वो बाइक के पास जाकर उसके ऊपर बैठकर आईने में देखकर बाल सजाते हुए, अरे वाह तुमको इधर नहीं रहना चाहिए रोशन, हॉलीवुड गए तो ऋतिक रोशन क्या, रणबीर कपूर क्या, रणवीर कपूर क्या, शाहरुख खान क्या या सलमान खान क्या, सबको घर जाना पड़ता है। आहा कितना सुंदर हो रे मेरा रोशन, कहकर देख रहा था। तभी एक आदमी वहां पर आया। उसने बाइक और रोशन को देखकर, एक्सक्यूज मी गाड़ी में बैठकर किसके साथ बात कर रहे हो, पूछा। तब रोशन, मैं आपस में बात कर रहा हूँ मेरा भविष्य के बारे में, अपने आप से कह रहा हूँ, कहा। तब वो आदमी, मतलब क्या चीज के बारे में बात कर रहे हो ये मैं जान सकता हूँ क्या, पूछा। तब रोशन, आईने में मेरा मुंह देखकर मेरा सुंदरता के बारे में बात कर रहा हूँ, कहा। तब वो आदमी, ओहो अच्छा ऐसा है क्या, इस आईने में आपका मुंह देखकर बात कर रहे हो, रुकिए एक मिनट, कहकर नीचे झुककर एक पत्थर लेकर आईने पर मारा। बस आईना टूट गया। वो देखकर रोशन घबराते हुए, ये क्या है जी ऐसे क्यों किए, इस गाड़ी का ओनर हो क्या तुम, कहते हुए गाड़ी से उतरा। तब वो सब तुमको क्यों, तुमने देखा हुआ आईने में और कोई मुंह नहीं देखना चाहिए इसलिए तोड़ दिया, कहा। तब रोशन, आप क्यों इतना गुस्से में हो, कोई कारण है क्या, पूछा। तब वो आदमी, कारण है इसलिए तो तोड़ दिया है, कहा। तब रोशन को गुस्सा आया और उसका मन में, मैं इसका गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ कहकर ये बहुत ज्यादा कर रहा है सोचकर, फिर अब तक मैं इस सीट पर बैठा हूँ ना, इसे क्या करोगे, कहा। तब वो उसको क्यों छोड़ूंगा, उसको भी नाश कर दूंगा, कहकर एक चाकू लेकर सीट को काट कर उसमें से स्पॉन्ज टुकड़े निकालकर हवा में फेंक दिया। वो देखकर रोशन घबरा गया। फिर रोशन को गर्व से, कैसा लगा मेरा झटका, कहा। तब रोशन, अरे ये तो कोई पागल जैसा लग रहा है, इसको सबक सिखाना होगा, इसके हाथों से ही इसका गाड़ी को पूरा नाश करवाता हूँ सोचकर, मगर अभी तक उन हैंडल्स को पकड़ कर बैठा हूँ ना, उनको क्या करोगे, पूछा। तब वो उनको भी देख लूंगा, कहकर एक रॉड को लाकर हैंडल्स पर मार मार के तोड़ दिया। कैसा लगा, कहा। तब रोशन, अरे वाह बहुत अच्छा लगा, मगर मैंने अपने पैर को उस पेडल पर रखकर बैठा हूँ ना, उसे क्या करोगे, पूछा। तब वो आदमी, उसे भी क्लियर कर देते हैं, उसमें क्या है, कहकर रॉड से पेडल को भी तोड़ दिया। फिर वो अब कैसा लगा, कहा। तब रोशन, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा तोड़ने से लेट होता है ना, पूरा गाड़ी को एक ही बार नाश कर सकते हो ना, कहा। तब वो, पूरा गाड़ी को एक ही बार, वो कैसे, पूछा। तब रोशन, रुको दिखाता हूँ, ऐसा एक एक पार्ट को मारने से टाइम वेस्ट है ना, कहकर पेट्रोल का पाइप को निकालकर हाथों से पेट्रोल को पकड़कर बाइक में 2-3 बार पेट्रोल छिड़का। बाद में माचिस निकालकर उसे जलाकर गाड़ी में डाला। बस गाड़ी जलने लगा। तब रोशन, अब कैसा लगा मेरा झटका, कहा। वो पहले चौंक गया, फिर होश में आकर, अच्छा किया है बॉस, बहुत अच्छा किया है, कहकर शेक हैंड दिया।
तब रोशन, अरे ओ मंद बुद्धि कही के गाड़ी का ओनर होकर गाड़ी जलते हुए देखकर हंस रहे हो, पागल हो गए हो क्या? गाड़ी जल गया है कहकर थोड़ा सा भी दुख नहीं है क्या तुमको? पूछा तब वो, दुख मुझे क्यों होगा दुख? इस गाड़ी का ओनर मैं होने से ना दुखी होना है तो उस पहलवान जी को होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी उसका है। कहा तब रोशन, हे भगवान, ये पहलवान जी का है? असल में क्या है, इधर क्या चल रहा है यहाँ? पूछा तब वो, उस पहलवान ने मुझे एक बार बेवजह मारा था, उससे कैसे भी बदला लेना है सोचकर उसका गाड़ी को नाश करने के लिए आया था। समय पर तुम गाड़ी के पास रहकर गाड़ी को जलाकर मेरा ख्वाहिश को पूरा किया, थैंक्स, कहकर वहां से भागते हुए चला गया। तब पहलवान उधर आकर, अबे ओए, किसने मेरे गाड़ी को जलाया, तुम हो क्या? कहकर रोशन को पकड़कर खूब मारने लगा। तब रोशन, हाय रे, बाप रे, मुझे कुछ भी पता नहीं है जी, मुझे कुछ भी पता नहीं है जी, कहकर गिड़गिड़ाने से भी पहलवान उसे पकड़कर खूब मार रहा था। बाद में रोशन लंगड़ते हुए घर वापस चला गया।